पाणी आणि रस्त्याच्या प्रश्नाबाबत तसेच विविध मागणीसाठी प्रशासनाला कंटाळून पीएमसी आणि पीएमआरडीच्या विरोधात नागरिकांनी महानगरपालिका सहायक आयुक्त कार्यालय येथे विराट जनआंदोलन केलंय. वाघोलीचा पुणे महानगरपालिकेमध्ये समावेश झाला असताना देखील येथील नागरिकांच्या मूलभूत समस्या अद्याप महापालिकेकडून सुटत नाही. तसेच वाघोलीकरांच्या मुख्य समस्या समजून घेण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेला वेळ नाही. संबंधित अधिकारी वर्ग प्रत्येक वेळी टाळाटाळीचे उत्तर देत आहेत, ही मोठी चिंताजनक बाब आहे. यावेळी वाघोलीकरांनी थेट राज्याचे मुख्यमंत्री यांनाच साथ घातली आहे. जोपर्यंत पुणे महानगरपालिका वाघोलीकरांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने बघत नाही, त्याची रूपरेषा आराखडा दाखवत नाही, तोपर्यंत हे जनआंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे वाघोली ग्रामस्थांनी सांगितलंय. लोगों को सप्लाई देने के लिए बनाया गया था, उससे सोसायटी के लोगों को या इंडिविजुअल लोगों को कुछ नहीं मिलता है. वो गांव के रूरल एरियाज के लिए बनाया गया था. जो आप ये पंप देखते हैं वागेश्वर का पानी फुलौठा का, कोई अता पता नहीं है. पीएमसी के द्वारा अभी तक 20 महीने हो गए. मैं पूछना चाहता हूं कि पानी के लिए क्या नियोजन है, क्या प्लानिंग कर रहे हो आप? जिस ग्राम पंचायत में पीएमआरडीए के साथ एक सर्वे होता है दिसंबर 2018 में, 2019 में एक टेंडर डालते हैं. मैं बार बार आप लोगों को अलग अलग तरीके से बताया हूं, लेकिन फिर से बताना चाहता हूं, इनका भ्रष्टाचार समझिए कि 2019 में 22 करोड़ रुपए का एक टेंडर दिया जाता है 5 MLD का प्रोजेक्ट लगाने के लिए पीएमआरडीए के द्वारा. पीएमआरडीए इसलिए कि ग्राम पंचायत उतना कैपेबल नहीं है 5 MLD का एक प्रोजेक्ट लगा के हम आपको 50 लीटर पानी देते हैं. उनको इतना भी नहीं पता है, अगर पता था तो गलत किए हैं, कि हमको दुनिया के कहीं पे भी कोने में चले जाइए, अविकसित देशों में चले जाइए, 135 लीटर पानी तो किसी भी सामान्य आदमी को चाहिए. अगर और गरीब भी होने दो 135 लीटर पानी. 2019 में इन्होंने बोला वाघोली की जनसंख्या 1,15,000 है, 40 लीटर पानी पर पर्सन पर डे देंगे, और उस हिसाब से हमारा 46 लाख होता है. हम 50 लाख लीटर का एक प्रोजेक्ट बना के देते हैं. पहली चीज तो लोक संख्या कम, ऊपर से 40 लीटर पानी. लेकिन वो प्रोजेक्ट जिसमें लिख के दिया गया 19 सितंबर 2019 को कि 12 महीने में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, वो 19 सितंबर 2020 तक क्यों नहीं कंप्लीट हुआ? जब हम लोग आंदोलन करने लगे, पहला आंदोलन 24 दिसंबर को किए, दूसरा 20 जनवरी को किए, तब उस पे कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर पेनाल्टी लगाई जाने लगी. 1,000 रुपए पेनाल्टी लगाए, फिर 1 फरवरी को 2,000, फिर 5,000, फिर जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता हम पेनाल्टी लगाते हैं. आयुक्त से हमारी मीटिंग हुई, हमने बोला पेनाल्टी कब से लगाना चालू किए, बोले जनवरी से, जनवरी 2023 से. आप समझिए 22 करोड़ रुपए में किसी एक अकाउंट में डाल दो और बोल दो कि 1,000 रुपए रोज दो, वो पहले ही 1,000 दे देगा. 22 करोड़ डालने के पहले मैं दे दे रहा हूं. यहाँ के लोगों को आपने क्या समझ रखा है कि हम कुछ समझ नहीं रहे हैं? कर भ्रष्टाचार या महानगर पालिकेचे पण जनतेला नुसतं हॅरेसमेंट करून त्यांच्या कुठल्याही सुविधा चा विचार नाही करायचा. कुठल्याही कामाला आपण जरी फोन केला तरी त्यांना अपेक्षा असते आम्हाला पैसे मिळाले पाहिजे. इतकी वाईट परिस्थिती या सरकारची आणि या महानगरपालिकेची आहे, त्यामुळं मी या वाकोला माझा पूर्ण आणि शेतकरी छत्रपती शेतकरी संघटनेचा, आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचा पूर्ण पाठिंबा आहे.